कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश भरपूर जीवन। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यूहन्ना अध्याय 10 पद 10 से 11 तक। 17वीं सदी के दार्शनिक थॉमस होब्स ने सुविदित से लिखा है कि अपनी स्वाभाविक अवस्था में मानव जीवन अकेला, गरीब, अप्रिय, पशुवत और छोटा है। उन्होंने तर्क दिया कि हमारी प्रवृत्ति दूसरों पर प्रभुत्व प्राप्त करने की होती है, अतः कानून और व्यवस्था बनाने रखने के लिए सरकार की स्थापना आवश्यक होती। मानवता की धूमिल दृष्टि उस हालत की तरह लगती है जिसका वर्णन यीशु ने किया जब उसने कहा, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। यूहन्ना अध्याय 10 पद 8। लेकिन यीशु निराशा के मध्य आशा प्रदान करता है। चोर केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है, लेकिन फिर अच्छी खबर। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। पद 10 भजन 23 उस जीवन का एक तरोताजा तस्वीर प्रस्तुत करता है जो हमारा चरवाहा हमें देता है। उसमें हमें कुछ घटी नहीं होती। पद 1 और वह हमारे जी में जी ले आता है। वह अपनी सिद्ध इच्छा के सही मार्ग में अगुवाई करता है ताकि जब हम अंधकार भरे समय का भी सामना करते हैं हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह हमें शांति देने के लिए उपस्थित रहता है। वह विपत्ति के समय आशीषों से अभिभूत करता है। उसकी भलाई और करुणा हर दिन हमारे साथ रहती है और हमें सदा के लिए उसकी उपस्थिति का अवसर मिलता है। पद 6 काश हम चरवाहे की बुलाहट का उत्तर दे और उस पूरा भरपूर जीवन का अनुभव करें जो वह हमें देने आया। आप उस जीवन का वर्णन कैसे करेंगे जो यीशु देने आया था? आप उस जीवन का वर्णन कैसे करेंगे जो यीशु देने आया था? आप इस जीवन को दूसरों के साथ कैसे साझा कर सकते हैं? यीशु आप सच्चे, भरपूर और पूर्ण जीवन के स्रोत हैं। केवल आप में ही अपनी तृप्ति ढूंढने में मेरी मदद कर। लेखिका रेमी ओइडिली। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 19 जून 2020। धन्यवाद।